पाठ सात, झांसी की रानी। दादाजी, आज हमारे विद्यालय में बड़ी कक्षा के छात्रों ने बड़ी अच्छी कविता गाई। कौन सी कविता उपेंद्र? वो थी, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे दादाजी, आपको याद है, ये कविता आपने भी पढ़ी है। हाँ बेटा, झांसी की रानी कविता तो लगभग हर बच्चे ने पढ़ी होगी, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए कुर्बानी दी। हम उन्हें प्यार और श्रद्धा से याद करते हैं। जरा यह कविता तो देखो। झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की।